नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदाघर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लगातार देखें सौदाघर आप लोगों के सामने वीडियो ला रहा है किस तरीके से जो है नदियों में गंदगी की जा रही है। नदियों के किनारों को यानी कि जो आपकी रिवर लाइन है कहीं ना कहीं डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है। और यहाँ पे सिर्फ गार्बेज ही नहीं, जो मास लेवल पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, एक्सकेवेशन हो रहा है, उसे उठा के लाके यहाँ डंप कर दिया जाता है। और सिचुएशन तब ज़्यादा खराब हो जाती है जब बरसात के समय ये सारा मलबा जो है नदियों के थ्रू बह के आगे जाता है। इससे पोल्यूशन बढ़ता है, नदियों में जो जीव जंतु हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। पुणे की मूड़ा मुठा नदी जो कि पुणे शहर की लाइफलाइन है, यह अब खतरे में है। किस तरह नदी नाला बन चुकी है यह तो आप सब देख ही रहे हैं, पर पिछले कुछ सालों में नदी के किनारे डंपिंग ग्राउंड में बदलते जा रहे हैं, जहां कूड़े कचरों के साथ साथ डेब्री भी डाले जा रहे हैं। यह सिर्फ देखने में बुरा नहीं है बल्कि एनवायरमेंट और हम सब के स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है। आप सभी को पता है पुणे शहर में चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चालू है और इसके चलते कंस्ट्रक्शन के पहले एक्सकेवेशन में निकलने वाली मिट्टी और पत्थर और कंस्ट्रक्शन के दौरान निकलने वाला वेस्ट, इसको रखना कितनी बड़ी समस्या है। और इसी के चलते इसे नदियों के किनारे डंप करना आसान हो जाता है क्योंकि इसे रोकने के लिए यहाँ कोई मौजूद नहीं रहता। और यह सभी एक्टिविटीज यदि इसी तरह चलती रही तो आने वाला समय नदियों के लिए भयावह होगा। और आप लोगों को बताएं, जो लोग भी इस बात पे जो है सवाल उठा रहे हैं कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जो चालू है उससे ये चीज़ें होंगी, तमाम उनके बारे में बातें बता रहे हैं, लेकिन देखें कम से कम डेवलपमेंट में प्लांटेशन तो हो रहा है। हमें और जितने लोग भी उस पे सवाल उठा रहे हैं उनको इन बातों पे ज़्यादा सवाल उठाना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा हानिकारक हैं। ये बरसात में कट के बहते भी हैं और जो रिवर लाइन है वो एक तरीके से पटता जा रहा है। नदियों के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो इसमें गार्बेज भी सीधा डालते हैं। गर्मियों के समय में और ठंडियों के समय पे यहाँ पे गार्बेज जलाए भी जाते हैं, तो ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है और हमें अपनी तरफ से भी ध्यान देना होगा। साथियों देखिए, अथॉरिटीज़ के करने से सब कुछ नहीं होने वाला है। हम कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी गार्बेज जो है नदियों में ना डालें, ना इसके आसपास किसी तरीके का डंपिंग बनाएं, क्योंकि ये आने वाले समय पे ये कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से भी छोड़ के जाना चाहिए नदियों को कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसका लुत्फ ले सकें। ऑलरेडी हम लोग इसे नाला कहने लगे हैं, नाला हो चुका है। और अगर यहाँ पे ट्रीटेड वाटर डाला जाएगा और हम अपनी तरफ से भी मुहिम चलाएंगे कि इसमें कूड़े कचरे या किसी भी तरह का गार्बेज ना डाला जाए, तो शायद आने वाले समय पे दोबारा ये नदियाँ लाइफलाइन बन पाएंगी और अपने शहर की सुंदरता को बढ़ाने में योगदान देंगी। आपका इस पे क्या मानना है हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए। यदि प्रयास पसंद आया है तो आप लाइक शेयर करने के साथ साथ बाकी लोगों तक भी फैला दें, जिससे ये अवेयरनेस सब तक पहुँचे और हम इसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट जरूर कर पाएँ। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।